सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों, इंडिया की मच अवेटेड मूवी गदर 2 रिलीज होने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है और इसके एक से बढ़कर एक धमाका हमें देखने को मिल रहा है। अभी दोस्तों, गदर 2 मूवी से वॉइस ओवर जो करने वाले हैं उन आर्टिस्ट का नाम रिवील कर दिया गया है और वो कोई छोटे मोटे वॉइस आर्टिस्ट नहीं है, बहुत ही बड़ी एक दोस्तों कलाकार है, बहुत ही बड़े एक हस्ती है। तो चलिए दोस्तों, अब वो वॉइस आर्टिस्ट कौन होने वाले हैं जो गदर 2 मूवी में आवाज देने वाले हैं, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों बता दें कि जब गदर 2 मूवी का सबसे पहले एक टीजर आया था, उसने सभी को दोस्तों मोहित कर दिया था और साथ में सभी लोगों का दिल जीत लिया था। उसके बाद दोस्तों, जब गदर 2 मूवी का पहला सॉन्ग आता है ऊर्जा काले का, वो दोस्तों बहुत ही बड़ा ब्लॉकबस्टर साबित होता है और सिर्फ 24 आवर्स के पहले ही वो 1 मिलियन से ज्यादा लाइक्स गेन कर लेता है। इसका मतलब दोस्तों, गदर 2 मूवी के प्रति लोगों का एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो होने वाले हैं वो दोस्तों, जो गदर मूवी थी उसमें जब मूवी स्टार्ट होती है तो एक वॉइस बताई जाती है और साथ में सीन चलते रहते हैं, वो वॉइस आर्टिस्ट दोस्तों ओम पुरी साहब थे गदर मूवी में। लेकिन दोस्तों, अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उनकी जगह दूसरे को मौका दिया गया है और ये भी दोस्तों कोई छोटे मोटे नहीं है, बहुत ही बड़ी हस्ती है नाना पाटेकर। जी हाँ दोस्तों, नाना पाटेकर को गदर 2 मूवी में वॉइस आर्टिस्ट का काम दिया गया है। ये दोस्तों वॉइस ओवर करेंगे जो मूवी की स्टार्ट होती है, जहां मूवी स्टार्ट होती है वहां पर हमें सिर्फ आवाज सुनाई जाती है और साथ में बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ों के या किसी के भी सीन चल रहे होते हैं। वो जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट का सीन होने वाला है वो दोस्तों हमें वॉइस सुनने को मिलेगी नाना पाटेकर की, और जहां जहां भी बीच में हमें सिर्फ दिखाया जाता है कि इतने साल का लीप हो चुका है या कहीं कुछ स्टोरी आगे बढ़ाई जाती है, तो जहां जहां भी हमें वॉइस ओवर सुन वो सभी नाना पाटेकर की आवाज में सुनने मिलने वाला है। अब दोस्तों, ये हालांकि पुरानी मूवी का सीक्वल है, इसमें पुराने लोग हैं, लेकिन फिर भी ये इतना दम रखती है कि ये कम से कम 500 करोड़ का कलेक्शन तो गदर 2 मूवी इंडिपेंडेंस डे के वीक में जो रिलीज हो रही है वो आराम से 500 करोड़ का कलेक्शन करके जाएगी। अब आप बताइए दोस्तों, आप गदर 2 मूवी में अमीषा पटेल और साथ में सनी देओल की जोड़ी को देखने के लिए कितना बेकरार है, और क्या आप 11 अगस्त को गदर 2 मूवी देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।